जब बागेश्वर धाम वाले बाबा ने लड़ाई मार चिमटे की तो भूत प्रेत ऐसे दौड़ के भागने लगे जैसे क्या ऐसे समझ लो महाभारत का युद्ध छिड़ गया हो। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में दिल्ली में भी जब पुराने वाला दिव्य दरबार लगा था बागेश्वर धाम सरकार का, तो प्रेतों पर ऐसे मार लगा जा रही थी सन्यासी बाबा की जो सेना थी। आप आचार्य चकित रह जाते देख रहे हैं, वो माहौल था क्या था, आप इतनी चीखने की आवाज आ रही थी। हालांकि उसको वीडियो को शूट करना वर्जित बताया गया है और उस वीडियो को शूट नहीं कर सकती। भक्तों को सभी को चेतावनी दी गई थी कि प्रेत बाधा वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग न करें और मोबाइल पर नहीं चलाएं, क्योंकि उसमें हमारी माँ बहन होती हैं और प्रेत बाधा में आपको पति वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता। इसी का ध्यान रखते हुए बागेश्वर धाम सरकार के सभी शिष्टमंडलों ने ये पहले ही सूचना दे दी गई थी। जी हाँ, अगर जो वीडियो बनाते पाए जा रहे थे तो उनकी मोबाइल छिनकरियाँ बाद में दिए जा रहे थे। ऐसे नहीं छिनके वो खुद ही रखे जा रहे थे, बाद में दिए जा रहे थे जिन जिनकी मोबाइल थी। तो प्रेत बाधा की ऐसी अद्भुत लीला चल रही है आजकल संसार में। देखिए, प्रेत बाधा वाले जो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा है, और प्रेत बाधा सबसे ज़्यादा भक्ति किससे? सन्यासी बाबा से, दादा गुरु जी से, ये बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य कहते हैं। मगर मैं बागेश्वर धाम सरकार के ऐसे मान लो मानता नहीं हूँ, बागेश्वर धाम को मानती हूँ। वैसे ही चंद बागेश्वर धाम सरकार का ये तो आपको पता ही है, परंतु बालाजी से बहुत भक्ति है। मारे मत्ती बाबा वचन भरे वाले, कहते ना मेरा संकट कट गया जी और बालाजी के दरबार में। तो ऐसे ऐसे संकट बागेश्वर बालाजी के या मेहंदीपुर के या सालासर के या ददरुआ धाम, ऐसे धामों में जाकर यहाँ बालाजी का जो दरबार लगे हैं वहाँ पर भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो भूत प्रेतों को अगर आपके घर में परिवार में किसी को भी चचा हो या दीदी को बहन को भाभी को किसी को भी प्रेत बाधा की सवारी आती है या उनके ऊपर निगेटिव ऊर्जा होती है, तो आप बागेश्वर धाम ला सकते हैं या मेहंदीपुर ले जा सकते हैं, या आप जो भी आसपास के बालाजी के मंदिर हैं वहाँ पर आप अर्जी पेशी करवा सकते हैं। बालाजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वो प्रेत शांत होगा और आपके जो फैमिली में किसी के ऊपर प्रेत हट जाएगा। तो प्रेत बाधाओं पर ऐसा देखो, प्रेत बाधा होती है तो हमें दवाई लगती है, हम डॉक्टर को कितने दिखा लें परंतु ठीक नहीं होते। कुछ लोग ये मानते हैं प्रेत बाधा नहीं होती है, कुछ लोग कहते हैं प्रेत बाधा होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप क्या मानते हैं, प्रेत बाधा होती है या नहीं होती है। मैं तो मानता हूं भैया प्रेत बाधा होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में खुद ही कह रखा धुंधकारी प्रेत बना दो। श्रीमद् भागवत कथा खुद ही कहती है धुंधकारी गौकर्ण का जो भाई था, आत्मदेव का जो पुत्र था, स्टार्टिंग में जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन होता है महत्व सुनाते हैं, तो उसमें धुंधकारी आत्म बन गया था, प्रेत बन गया था। तो उसको प्रेत मुक्ति करवाने के लिए गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा करी थी। तो सात घाट का एक बांसी वाला गया था, एक एक दिन की कथा जैसे सुनाई जा रही थी, तो एक एक घाट फटी थी और वो सात तो घाट फटकरियाँ धुंधकारी प्रकट हुआ और वो परमपिता परमात्मा की धाम गया। तो ये अद्भुत सदृश्य है, प्रेत बाधा होती है। जो लोग नहीं मानते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं मानते हैं और मानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे अपडेट पाते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हम लेकर आएंगे फिर से नई अपडेट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। जब बागेश्वर धाम वाले बाबा ने लड़ाई मार चिमटे की तो भूत प्रेत ऐसे दौड़ के भागने लगे जैसे क्या ऐसे समझ लो महाभारत का युद्ध छिड़ गया हो। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में दिल्ली में भी जब पुराड़ी में दिव्य दरबार लगा था बागेश्वर धाम सरकार का, तो प्रेतों पर ऐसे मार लगाई जा रही थी सन्यासी बाबा की जो सेना थी। आप आचार्य चकित रह जाते देख रहे हैं, वो माहौल था क्या था, आप इतनी चीखने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि उसको वीडियो को शूट करना वर्जित बताया गया है और उस वीडियो को शूट नहीं कर सकती। भक्तों को सभी को चेतावनी दी गई थी कि प्रेत बाधा वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग न करें और मोबाइल पर नहीं चलाएं, क्योंकि उसमें हमारी माँ बहन होती हैं और प्रेत बाधा में आपको पति वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता। इसी का ध्यान रखते हुए बागेश्वर धाम सरकार के सभी शिष्टमंडलों ने ये पहले ही सूचना दे दी गई थी। जी हाँ, अगर जो वीडियो बनाते पाए जा रहे थे तो उनकी मोबाइल छिनकरियाँ बाद में दिए जा रहे थे। ऐसे नहीं छिनके वो खुद ही रखे जा रहे थे, बाद में दिए जा रहे थे जिन जिनकी मोबाइल थी। तो प्रेत बाधा की ऐसी अद्भुत लीला चल रही है आजकल संसार में। देखिए, प्रेत बाधा वाले जो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा है, और प्रेत बाधा सबसे ज़्यादा भक्ति किससे? सन्यासी बाबा से, दादा गुरु जी से, ये बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य कहते हैं। मगर मैं बागेश्वर धाम सरकार के ऐसे मान लो मानता नहीं हूँ, बागेश्वर धाम को मानती हूँ। वैसे ही चंद बागेश्वर धाम सरकार का ये तो आपको पता ही है, परंतु बालाजी से बहुत भक्ति है। मारे मत्ती बाबा वचन भरे वाले, कहते ना मेरा संकट कट गया जी और बालाजी के दरबार में। तो ऐसे ऐसे संकट बागेश्वर बालाजी के या मेहंदीपुर के या सालासर के या ददरुआ धाम, ऐसे धामों में जाकर यहाँ बालाजी का जो दरबार लगे हैं वहाँ पर भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो भूत प्रेतों को अगर आपके घर में परिवार में किसी को भी चचा हो या दीदी को बहन को भाभी को किसी को भी प्रेत बाधा की सवारी आती है या उनके ऊपर निगेटिव ऊर्जा होती है, तो आप बागेश्वर धाम ला सकते हैं या मेहंदीपुर ले जा सकते हैं, या आप जो भी आसपास के बालाजी के मंदिर हैं वहाँ पर आप अर्जी पेशी करवा सकते हैं। बालाजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वो प्रेत शांत होगा और आपके जो फैमिली में किसी के ऊपर प्रेत हट जाएगा। तो प्रेत बाधाओं पर ऐसा देखो, प्रेत बाधा होती है तो हमें दवाई नहीं लगती है, हम डॉक्टर को कितने दिखा लें परंतु ठीक नहीं होते।
कुछ लोग ये मानते हैं प्रेत बाधा नहीं होती है, कुछ लोग कहते हैं प्रेत बाधा होती है। आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या मानते हैं, प्रेत बाधा होती है या नहीं होती है। मैं तो मानता हूँ भैया प्रेत बाधा होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में खुद ही कह रखा धुंधकारी प्रेत बनाता। श्रीमद् भागवत कथा खुद ही कहती है धुंधकारी गौकर्ण का जो भाई था, आत्मदेव का जो पुत्र था, स्टार्टिंग में जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन होता है महत्व सुनाते हैं, तो उसमें धुंधकारी आत्म बन गया था, प्रेत बन गया था। तो उसको प्रेत की मुक्ति करवाने के लिए गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा कही थी। तो सात गांठ का एक बांसी वाला गया था, एक एक दिन की कथा जैसे सुनाई जा रही थी, तो एक एक गांठ फटी थी और वो सातों गांठ फटकरियाँ धुंधकारी प्रकट हुआ और वो परमपिता परमात्मा की धाम गया। तो ये अद्भुत सदृश्य है, प्रेत बाधा होती है। जो लोग नहीं मानते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं मानते हैं और मानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे अपडेट पाते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हम लेकर आएंगे फिर से नई अपडेट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम, जय बालेश्वर महाराज। जब बागेश्वर धाम वाले बाबा ने लगाई मार चिमटे की, तो भूत प्रेत ऐसे दौड़ के भागने लगे जैसे क्या, ऐसे समझ लो महाभारत का युद्ध छिड़ गया हो। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में दिल्ली में भी जब बुराड़ी में दिव्य दरबार लगा था बागेश्वर धाम सरकार का, तो प्रेतों पे ऐसे मार लगाई जा रही थी। सन्यासी बाबा की जो सेना थी, आप आचार्य चकित रह जाते देख रहे हैं, वो माहौल था क्या था, आप इतनी चीखने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि उसको वीडियो को शूट करना वर्जित बताया गया है और उस वीडियो को शूट नहीं कर सकती। भक्तों को सभी को चेतावनी दी गई थी कि प्रेत बाधा वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग न करें और मोबाइल पर नहीं चलाएं, क्योंकि उसमें हमारी माँ बहन होती हैं और प्रेत बाधा में आपको पता है वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता। इसी का ध्यान रखते हुए बागेश्वर धाम सरकार के सभी शिष्टमंडलों ने ये पहले ही सूचना दे दी गई थी। जी हाँ, अगर जो वीडियो बनाते पाए जा रहे थे तो उनके मोबाइल छीन के लिए बाद में दिए जा रहे थे, ऐसे नहीं छीन के वो खुद ही रखे जा रहे थे, बाद में दिए जा रहे थे जिन जिनके मोबाइल थे। तो प्रेत बाधा की ऐसी अद्भुत लीला चल रही है आजकल संसार में। देखिए, प्रेत बाधा वाले जो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा है, और प्रेत बाधा सबसे ज़्यादा भक्ति किससे, सन्यासी बाबा से, दादा गुरु जी से, ये बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य कहते हैं। मगर मैं बागेश्वर धाम सरकार के ऐसे मान लो मानता नहीं हूँ, बागेश्वर धाम को मानते हूँ, वैसे ही चैनल बागेश्वर धाम सरकार का, ये तो आपको पता ही है। परंतु बालाजी से बहुत बात की है, मारे मत्ते बाबा बचन भरे वाले, कहते ना मेरा संकट कट गया जी और बालाजी के दरबार में। तो ऐसे ऐसे संकट बागेश्वर पर बालाजी के या मेहंदीपुर के या साला सर के या ददरुआ धाम, ऐसे धामों में जाकर बालाजी का जो दरबार लगे हैं वहाँ पर भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो भूत प्रेतों को अगर आपके घर में परिवार में किसी को भी चचा ताऊ को या दीदी को बहन को भाभी को किसी को भी प्रेत बाधा की सवारी आती है या उनके ऊपर निगेटिव ऊर्जा होती है, तो आप बागेश्वर धाम ला सकते हैं या मेहंदीपुर ले जा सकते हैं, या आप जो भी आप आसपास के बालाजी के मंदिर हैं वहाँ पर आप अर्जी पेशी करवा सकते हैं। बालाजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वो प्रेत शांत होगा और आपके जो फैमिली में किसी के ऊपर प्रेत हट जाएगा। तो प्रेत बाधाओं पर ऐसा देखो, प्रेत बाधा होती है तो हमें दवाई नहीं लगती है, हम डॉक्टर को कितने दिखा लें परंतु ठीक नहीं होते। कुछ लोग ये मानते हैं प्रेत बाधा नहीं होती है, कुछ लोग कहते हैं प्रेत बाधा होती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप क्या मानते हैं, प्रेत बाधा होती है या नहीं होती है। मैं तो मानता हूँ भैया प्रेत बाधा होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में खुद ही कह रखा धुंधकारी प्रेत बनाता। श्रीमद् भागवत कथा खुद ही कहती है धुंधकारी गौकर्ण का जो भाई था, आत्मदेव का जो पुत्र था, स्टार्टिंग में जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन होता है महत्व सुनाते हैं, तो उसमें धुंधकारी आत्म बन गया था, प्रेत बन गया था। तो उसको प्रेत की मुक्ति करवाने के लिए गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा कही थी। तो सात गांठ का एक बांसी वाला गया था, एक एक दिन की कथा जैसे सुनाई जा रही थी, तो एक एक गांठ फटी थी और वो सातों गांठ फटकरियाँ धुंधकारी प्रकट हुआ और वो परमपिता परमात्मा की धाम गया। तो ये अद्भुत सदृश्य है, प्रेत बाधा होती है। जो लोग नहीं मानते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं मानते हैं और मानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे अपडेट पाते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हम लेकर आएंगे फिर से नई अपडेट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम, जय बालेश्वर महाराज।